गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, सेफ होंगे। मैं ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आफ्टर दिवाली आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और इसका रीज़न मैं आप लोगों को बाद में शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मैं आज आपको अपने यहाँ का बालकनी का व्यू दिखाती हूँ और दिल्ली का वेदर दिखाती हूँ कि आज कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत मस्त वेदर हो रहा है आज का। ये देखो मेरी बैल्कनी में कपड़े सूख रहे हैं, कल के डले हुए हैं, अभी उतारे नहीं है। ये रहा देखो हमारा पेड़, कितनी तेज हवा चल रही है आज यहाँ पर। सुबह से इतनी तेज हवा है, उड़ उड़ के कपड़े जा रहे हैं और बहुत मस्त वेदर हो रहा है। गर्मियाँ आ गई हैं। और ये रही दीवा, इसके अभी अभी ना एग्जाम्स फिनिश हुए हैं तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हूँ और ये भी रिलैक्स है। पूरे 1 महीने की छुट्टियाँ हैं और इसने जान खानी है घर में बैठे बैठे। ये देखो, ये इसकी तो इसके लिए तो गर्मियाँ आ ही चुकी हैं। स्कर्ट टॉप पहन लिए मैडम ने, साथ में स्टॉकिंग्स भी पहन लिए। बाल बिखरे हैं अभी इसके, समेटने हैं मुझे बाल। यहाँ देखो सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ रही है बाहर से, बहुत शोर आता है यहाँ पर। तो चलो अभी हम लोगों ने ना ब्रेकफास्ट किया, 12 बज चुके हैं। अभी 1 महीने तक ऐसे ही चलेगा, लेट उठेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब लेट लेट होगा। यहाँ पर कर रही है मेरी मम्मा आराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये ना एक्चुअली गिर गए थे, चोट लग गई थी इनको, रिब्स पे हो गया था फ्रैक्चर, तो कुछ टाइम से बेड रेस्ट पे हैं। मेरे पास ही हैं तो मैं लेकर आ गई थी यहाँ पे जब चोट लगी थी। यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से बेटर है, थोड़ा चल फिर पा रहे। बिल्कुल बेड पे हो गए थे, बिल्कुल चल नहीं पाते थे। अभी तो थोड़ा उठ पाते हैं, चल पाते हैं, नहा धो पाते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। नहलाती तो खैर मैं ही हूँ, तो बस अभी पहले से बेटर है। इनकी थेरेपी वगैरह भी यहीं चल रही है, तो इनको करने देते हैं आराम। अभी इन्होंने ब्रेकफास्ट किया था तो अब थोड़ा सा आराम कर लेंगे। तो चलते हैं, हम बनाते हैं अपना लंच। कढ़ी बना रही हूँ मैं आज, तो यहाँ पर मैंने कढ़ी रख दी है बनने के लिए और बस पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। और ये देखिए, मिलिए मेरे पति देव से। हेलो गाइस। ये आज मुझसे बहुत नाराज हो रही है, गुस्सा है रात कोई से। कोई नहीं, नहीं नहीं हो, नहीं नहीं है, ये रात से ना बहुत गुस्सा है मुझसे, मुझे रीजन नहीं पता, बट खैर इन्हें तो मनाना मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। ये बहुत भोले है मेरे पति देव, मान जाते हैं जल्दी। अभी ठीक लग रहा है कुछ? ये लो पी लो, इसको कुछ खाया भी नहीं है आपने, पी के फिर दवाई देखती हूँ। मम्मी दवाई तो खानी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, ऐसी पी लेना बेटा, फायदा क्या होता है, स्ट्रॉ तो है ना, कोई मलाई नहीं आती उसमें। आराम से पीना, फोन पे ना गिरे, पहले फोन को हाथ से रख दो ना, नहीं रखा जाता ना। गरम नहीं हुआ अभी अच्छे से, घी पकौड़े बनाने लगी हूँ मैं। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मैंने बीच में ब्रेक ले लिया था बहुत लंबा व्लॉग से, बिकॉज ना मेरे व्लॉग्स पे व्यूज भी नहीं आ रहे थे और आप लोग शायद मुझे पसंद भी नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो चैनल को। एंड ऐसा मुझे थोड़ा डीमोटिवेट सी हो गई थी मैं कि शायद मुझे आप लोग पसंद नहीं करते हो, लेकिन कुछ टाइम तक मैंने सोचा और मेरी फैमिली ने भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, समझाया कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शायद आपको पसंद ना करें, लेकिन उनकी वजह से आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हो, आपको कंटिन्यू करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर जब शायद वो लोग भी आपको पसंद करने लगे जो आपको ना पसंद करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चलो डेली ना सही, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो शूट ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए, जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से आज मेरे 2200 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मुझे थोड़ा सा आप लोगों से सपोर्ट भी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कैसे वीडियोस शूट करने चाहिए, शॉर्ट्स करूं या लॉन्ग वीडियोस भी शूट करूं, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आ सकूँ, अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लेकर आ सकूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स भी इन्जॉय किए होंगे, मज़ा आया कि नहीं आया कॉमेंट में ज़रूर बताना।
तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हम अपने लंच की तरफ। कड़ी बनाते हैं, पकोड़े तैयार करते हैं, लंच का टाइम हो रहा है। ये देखो जी, कौन आया हमारे घर में? छोटा बेबी। नमस्ते नमस्ते। सोना बेबी, सोना बेबी आया, सोना बेबी, सोना बेबी आया। एक मिनट रुक जाओ, उसको देखने तो दे। सोना को कुड़ी चरवा रही है। दादी से मिल रही है ये ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद, है ना दीपू? चारवी चारवी दादी कहाँ है? दादी 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 के पास जा रहे। कहाँ ढूंढ रहे? अबे कहाँ जा रहे सोना? बस उसको बस अब चलना है, भागना है, दौड़ना है। ओए ओए सोना, ये अपनी दादी से मिल रही है 20 डेज के बाद। दीवा के एग्जाम्स खत्म हो गए थे तो मैंने सोचा चलो अब आ जाएगी तो दोनों मस्ती करेंगे। दीवा बहुत टाइम से इसको मिस कर रही थी, अब इसको चलना आ गया ना तो ये भागती दौड़ती रहती है, रौनक आ जाती है घर में छोटे बच्चों से। हाँ हाँ दिखा लो, आप भी आ जाओ, आप तो कर लो किसियां रज के, चार दिन से जान खाई हुई थी। सब ऐसी करते हैं भाई, बच्चे पालना आसान नहीं होता है ना चारवी? चोनी चोनी इधर देखो, इधर देखो क्या कर रहे हो, ये क्या है, क्या है ये? हेलो भाईजी। ये देखो ये छुटकी के आते ही हमारे घर में क्या हाल हो गया है। चारवी क्या किया ये सब आपने, क्या किया ये, यहाँ गंद मचा दिया है मेरे घर में आके? अंकल आगे देखो, अंकल अंकल खड़े हैं, देखो, देखो ये आना अंकल है। आना आना, आना। आओ आओ, वो देखो भागती है। पता नहीं क्यों डरती है यार तुमसे, तुमसे बहुत डरती है ये। वो देखो तो उठा लो, उठा के बिठा लो। किसी से तो डर होना चाहिए ना। हाँ मैंने बोला है रजनी को, मैंने कहा जब भी कुछ गलत करे कहो अंकल आ रहे हैं। ये डर जाती है, थोड़ी पीछे हट जाती है अभी। ये तारे छेड़ रही थी यहाँ पे तो मैंने इसको बोला अंकल आ रहे हैं तो छोड़ दिया झट से। दुनिया में सबसे सही बात भी डर रही है। सही कह रहे हैं, सबसे शरीफ आदमी से डर रही है। मैंने अभी बोला तो है, मैंने कहा चारवी तेरी तरह बोले ही है वो भी। ये बोली नहीं रही, हाँ ये बोली नहीं रही, वो तो दिख रहा है शैतान बड़ी हो गई है। ये बम की गोली है, उसे मुंह पे कुछ रख मार लेती है। ये देखो ये देखो ये देखो शैतान, और ये देखो ये इसके फेस का हाल देखो, ये देखो ये क्या कर रखा है। दवाई नहीं ले रहा तो ठीक से? नहीं ले रहा दवाई, मम्मी दवाई नहीं हुआ इसकी? अच्छा हमने वो मंगवाया है, हाँ कोलेजन वाला, ठीक है। ये सारा खराब कर लिया इसने अपना। यहाँ पे अंकल बैठे हैं ना तो ये डर रही है, ये भाग रही है। चल जा। देखना देखना अभी कैसी भागी है शैतान। नहीं बैठती यार, 2 मिनट भी पता नहीं क्या डरा दिया तुमने बच्चे को। मैंने करा भाई। बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय। चल बाय कह रही है, बाय जाओ निकलो। नहीं नहीं तुम कोई कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, मैं डर रही हूँ बहुत। डरती बहुत है ये तुमसे। सो आज के दिन मेरे घर में यही चहल पहल रहने वाली है। आज ये पूरा फैमिली मेरे पास आज रात को रुकने वाले हैं, एंड मम्मी आप थोड़ा रिकवर कर गए हैं तो वो भी अब चले जाएंगे अपने घर। एंड दीवा बहुत खुश है चारवी से मिलके,
ऑब्वियसली बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो उनको तो थोड़ी मस्ती ही चाहिए। पूरा महीना यही रहेगा हमारे घर में, चहल पहल ये सब चलता रहेगा, आना जाना लगा ही रहेगा। एंड अपने ब्लॉग का एंड भी मैं यहीं करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। सपोर्ट कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कुछ तो कीजिए, कुछ रिएक्शन दीजिए और कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार ये चीज़ पूछ चुकी हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस में है, आप लोग कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, लॉन्ग वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ क्या देखना चाहते हैं, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।